जिस तरह से इस चैप्टर में हमने इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एक टर्म डिफाइन किया था, बिल्कुल उसी तरीके का एक और टर्म यहाँ पर आता है जिसको कहा जाता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। जैसे कि कोई मटेरियल है या कोई मीडियम है, तो अगर यहाँ पर हम लोग कुछ एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करेंगे, है ना, अगर एक्सटर्नल फील्ड हमने अप्लाई कर दिया बी नॉट, ठीक, तो इस एक्सटर्नल फील्ड के स्ट्रेंथ को एक तरह से रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इस मैग्नेटिक इंटेंसिटी का डायमेंशन और यूनिट जो होता है वो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के बिल्कुल इक्वल होता है ना। तो एक्चुअली में मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो है उसको हम लोग कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं, एच इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाई म्यू नॉट। यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो म्यू नॉट इंटू एच, ये है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी में अगर म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ निकल जाता है, ठीक। जैसा कि मैंने कहा कि एच का यूनिट और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, आई होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, है ना। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का और एच का यूनिट और डायमेंशन दोनों एक जैसे होते हैं, बोथ एच एंड आई हैव सिमिलर डायमेंशंस एंड यूनिट, ठीक। तो अगर यहां पर जैसे ये एक कोई मीडियम है, यहां पर अगर हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना होगा तो दो कारणों से नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। किस कारण से? एक तो एक्सटर्नल फील्ड है और एक जो होगा इसके अंदर जो डायपोल्स हैं उनका मैग्नेटाइजेशन हो रहा है, मतलब मीडियम का मैग्नेटाइजेशन हो रहा है। तो दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो वहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, है ना। नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड मीडियम, अगर मैं उसको बी लिखूंगा तो ये होना चाहिए, एक तो बी नॉट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्लस एक जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है यानी कि मैग्नेटाइजेशन की वजह से, उसको हम लिख सकते हैं म्यू नॉट इंटू आई। जैसे देख सकते हैं कि म्यू नॉट में एच से मल्टीप्लाई करने से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, एच का और आई का डायमेंशन इक्वल है, यूनिट इक्वल है, तो म्यू नॉट और इंटू आई करेंगे वो भी मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड कर सकते हैं या मैग्नेटाइजेशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आया। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन, ठीक। इन दोनों को ऐड करेंगे तब जाकर के नेट मैग्नेटिक फील्ड हमें वहां पर मिलेगा। तो बी नॉट की वैल्यू मैं लिख सकता हूं म्यू नॉट इंटू एच और ये हो गया म्यू नॉट इंटू आई। याद होगा आपको कि जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है उसको हम लोग कहते हैं कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ये होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, है ना। तो ये हो गया बी के इक्वल, यानी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस आई, ये हो गया। अब जैसे कि पहले भी मैंने बताया था कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ जितना ज्यादा बढ़ाया जाएगा तो मैग्नेटाइजेशन भी बढ़ता है, यानी डायपोल्स का जो ओरिएंटेशन है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होने की कोशिश करता है। अगर हम बात करें पैरा मैग्नेटिक और फेरो मैग्नेटिक की उस मटेरियल केस में, तो अगर इनका ओरिएंटेशन या अलाइनमेंट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ बढ़ता है तो इसका मतलब ये हुआ कि नेट मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़े, है ना। तो कहा यह जाता है कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक इंटेंसिटी, है ना। मतलब ये हुआ कि जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
एच होना चाहिए। अगर यहां पर मैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाऊंगा तो यहां पर एक है ना प्रोपोर्शनैलिटी हटाऊंगा तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा जिसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इसको ये जो सिंबल है इसको काई कहा जाता है इनटू एच। तो ये जो काई है ये है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कॉल्ड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक, तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है ये जो है अगर मैं इसकी वैल्यू यहां पर रखूं यहां से मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के टर्म में अगर आई की वैल्यू यहां पर रखूंगा तो बी क्या आएगा, बी की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट इनटू एच प्लस आई, आई के जगह पर मैं काई इनटू एच लिखता हूं यहां पर है ना, तो ये हो जाएगा इसमें से म्यू नॉट वन प्लस काई और एच को हम लोग यहां पर कॉमन ले लेंगे। ठीक, अब इसमें से ये जो टर्म है इसको कहते हैं रिलेटिव परमिबिलिटी या मीडियम की परमिबिलिटी कहते हैं इसको, इसको लिख सकते हैं म्यू इंटू एच वेयर म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट वन प्लस काई। ये जो है ये हो गया परमिबिलिटी ऑफ मीडियम। ठीक है, ये हो गया परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम। अगर हमें रिलेटिव परमिबिलिटी निकालना हो जैसे कि हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी निकालते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वैसे ही रिलेटिव परमिबिलिटी भी निकाला जा सकता है ऑफ मीडियम। ये हो जाएगा म्यू आर और ये होता है म्यू डिवाइडेड बाय यहां पर म्यू नॉट, यानी किसी मीडियम की परमिबिलिटी निकालना हो तो म्यू नॉट को म्यू रिलेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे है ना, तो उस मीडियम की परमिबिलिटी आ जाएगी। तो यहां से आप देख सकते हैं कि जो म्यू आर है वो एक्चुअली में आ जाएगा यहां पर, देखें म्यू की वैल्यू मैं ये रख सकता हूं म्यू नॉट वन प्लस काई डिवाइडेड बाय म्यू नॉट कैंसिल हो गया तो ये हो गया वन प्लस काई, यानी कि जो रिलेटिव परमिबिलिटी है ये हो गया वन प्लस काई के इक्वल। ठीक, अब यहां पर जो काई है इसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है ना, तो ऐसा पाया गया है कि जो पैरा मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं हैव पॉजिटिव बट स्मॉल ससेप्टिबिलिटी है ना। पॉजिटिव का मतलब यह हुआ कि जो मैग्नेटाइजेशन होगा वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होता है पैरामैग्नेटिक के केस में। ठीक, जबकि फेरोमैग्नेटिक की बात करेंगे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैव पॉजिटिव एंड थाउजेंड टाइम्स लार्जर ससेप्टिबिलिटी। मतलब कि पैरामैग्नेटिक के केस में जो भी ससेप्टिबिलिटी होता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी उससे हजार गुना ज्यादा होता है फेरोमैग्नेटिक में। फेरोमैग्नेटिक में भी पॉजिटिव होता है, इसका मतलब कि इसमें भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही अलाइनमेंट होता है लेकिन बहुत ही ज्यादा हाई अलाइनमेंट होता है, अलाइनमेंट बहुत ज्यादा हो जाता है इसलिए स्ट्रेंथ भी वहां पर बढ़ जाता है। डाईमैग्नेटिक मटेरियल की बात करें मटेरियल्स हैव नेगेटिव बट
स्मॉल ससेप्टिबिलिटी, है ना। तो ये जो तीनों पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को हम लोग यहाँ फिगर में समझ सकते हैं। जैसे अगर बात करें पैरामैग्नेटिक मटेरियल की, तो उसमें पॉजिटिव और स्मॉल ससेप्टिबिलिटी होता है। इसका मतलब है कि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसी के डायरेक्शन में या थोड़ा आसपास जो है ये डायपोल्स का अलाइनमेंट कहीं होगा, है ना, कुछ इस तरह से ऐसे कर सकते हैं। अब इसमें नेट डायपोल मोमेंट आप निकालेंगे तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल आएगा। जबकि फेरोमैग्नेटिक में बात करेंगे तो फेरोमैग्नेटिक में क्या होगा कि जो डायपोल मोमेंट्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होने की कोशिश करते हैं। तो इस केस में जो है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन काफी ज्यादा होता है, इसलिए ससेप्टिबिलिटी इसमें ज्यादा होती है। जब डायमैग्नेटिक के केस में बात करेंगे तो ये जो डायपोल्स हैं ये उल्टे डायरेक्शन में इंड्यूस हो जाते हैं, कुछ ऐसे, है ना, नेट आ जाएगा उल्टा डायरेक्शन में, ठीक है, थोड़ा सा है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए निगेटिव ससेप्टिबिलिटी इसमें बताया गया है। ठीक, ससेप्टिबिलिटी से जो रिलेटेड एक लॉ होता है उसको हम लोग कहते हैं क्यूरीज लॉ। ये लॉ बताता है कि जैसे ही टेम्परेचर किसी मीडियम का बढ़ाया जाता है तो जो होता है कि रैंडमाइजेशन जो है डायपोल मोमेंट्स का वो बढ़ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इनका अलाइनमेंट है डायपोल मोमेंट्स का वो अलाइनमेंट बिगड़ जाता है, इधर उधर हो जाते हैं, और उस केस में क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो है वो घटेगा, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन वहां पर कम हो जाएगा। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कम होगा तो इसका मतलब ससेप्टिबिलिटी भी कम होगी। तो जैसा कि हमने कहा कि टेम्परेचर बढ़ने से ससेप्टिबिलिटी घटती है, तो क्यूरीज लॉ यही बताता है कि जो ससेप्टिबिलिटी होता है वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो कह सकते हैं कि व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड देन रैंडमाइजेशन देन ड्यू टू रैंडमाइजेशन ऑफ एटॉमिक डाइपोल्स इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डिक्रीजेस, सो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी also decreases। तो जो क्यूरीज लॉ है उसको मैं यहां पर लिखता हूं, कहा जाता है कि फार अवे फ्रॉम सेचुरेशन, सेचुरेशन का यहां पर मतलब यह है, सेचुरेशन का मतलब यह हुआ कि जितने भी एटॉमिक डायपोल्स हैं वो सारे के सारे जो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो गए हों, तो जो है उसमें सेचुरेशन आ गया, अब उससे ज्यादा मैग्नेटाइजेशन हो नहीं सकता है, तो उसको हम लोग कहते हैं सेचुरेशन। और ये कह रहा है कि फार अवे फ्रॉम सेचुरेशन, मतलब सेचुरेशन आने वाला भी नहीं है, आया भी नहीं है, तब की बात कर रहे हैं। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब है कि टेम्परेचर को हमें केल्विन में रखना चाहिए। तो ये जो लॉ है क्यूरीज लॉ, इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं सी बाई टी, जहां पर सी जो है इसको कहा जाता है क्यूरीज कांस्टेंट और टी जो है
यह है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक, तो यहां से देख सकते हैं कि ससेप्टिबिलिटी जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को जब हीट किया जाएगा तो उसमें क्या होता है कि वो धीरे धीरे पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता है। जिस टेम्परेचर पर वो पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट होता है उसको क्यूरी पॉइंट या क्यूरी टेम्परेचर कहा जाता है ना। व्हेन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज हीटेड इट कन्वर्ट्स इन पैरामैग्नेटिक, है ना, एट सर्टेन टेम्परेचर। मतलब जब टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जहां पर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है वो पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। उस टेम्परेचर को, दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड क्यूरी पॉइंट और क्यूरी टेम्परेचर। ठीक, उस केस में जो ससेप्टिबिलिटी है वो कुछ इस तरह से वैरी करता है कि ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू सी डैश डिवाइडेड बाई टी माइनस टी सी, है ना। यहां भी सी डैश कोई कांस्टेंट है, इसको भी क्यूरीज कांस्टेंट ही कहा जाता है, थोड़ा सा डिफरेंट है उसी से। क्यूरीज कांस्टेंट, टी सी जो है ये क्यूरी पॉइंट है या क्यूरी टेम्परेचर है, और ये जो टी है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, जिस एब्सोल्यूट टेम्परेचर की हम लोग यहां पर बात कर रहे थे, है ना। ये हो गया एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इलास्टिसिटी में हम लोग पढ़ते हैं कि जैसे कोई वायर है और वायर के नीचे हमने एक वेट लटकाया है, इस वेट को धीरे धीरे बढ़ाते रहते हैं तो इसमें डिफॉर्मेशन जो है वो बढ़ता रहता है। ठीक, लेकिन जब वेट को धीरे धीरे रिड्यूस करा जाए तो रिड्यूस करने से वो जो वायर है वो अपने ओरिजिनल शेप में कभी नहीं आता। जब सारा वेट हम लोग रिमूव कर देते हैं उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन उसमें रह जाता है। ठीक, बिल्कुल उसी तरह से जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं वैसा ही बिहेवियर ये भी शो करते हैं, उसको हम लोग यहां पर समझेंगे। उसको कहा जाता है, उस बिहेवियर को इस मैग्नेटिक मटेरियल के केस में हिस्टेरेसिस कहा जाता है, है ना। तो उसको समझते हैं कि क्या होता है। जैसे मान लें कि अपने पास कोई सोलेनोइड है, है ना, ये एक सोलेनोइड है और सोलेनोइड के अंदर यहां पर हमने एक मैग्नेटिक मटेरियल रख दिया है। ठीक है, यहां पर कोई मटेरियल रख दिया है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है। करंट फ्लो करेगा तो सोलेनोइड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, यहां पर अगर मान लिया कि बी नॉट मैग्नेटिक फील्ड है तो एक मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी ये जनरेट करेगा। मैग्नेटिक इंटेंसिटी को हम लोग यहां पर ग्राफ प्लॉट करेंगे। मैग्नेटिक इंटेंसिटी को एच लिख सकते हैं, यानी कि जो बी नॉट बाई म्यू नॉट मैंने बताया ये। ठीक, अब जैसे जैसे करंट बढ़ाएंगे तो इस सोलेनोइड के कारण से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बढ़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी बढ़ेगी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी बढ़ेगी तो इसके अंदर जो मैग्नेटाइजेशन है वो बढ़ता है, है ना। तो हमने कहा था कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो है ना, वो शुरू में जो होता है वो इस मैग्नेटिक इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो इसमें मैग्नेटाइजेशन जो है बढ़ता रहता है। किस तरह से बढ़ता है वही हमें देखना है। तो मैं यहां पर y एक्सिस पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन रख देता हूं i। ठीक, पहले मान लिया कि इसमें कोई भी मैग्नेटाइजेशन नहीं था, मतलब कि नेट मैग्नेटाइजेशन इसमें जीरो था। हम लोग बात कर रहे हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की। जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उन्हीं में हिस्टेरेसिस देखा जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है मैग्नेटिक मटेरियल। तो इनके लिए मैं हिस्टेरेसिस लूप बना रहा हूं। तो जैसे हमने माना कि शुरू में कोई भी मैग्नेटाइजेशन नहीं है, जीरो है। ठीक, अब जैसे जैसे मैग्नेटिक इंटेंसिटी आएगी तो इनमें मैग्नेटाइजेशन शुरू होगा
और जो ग्राफ है कुछ इस तरह से ऐसे बढ़ेगा, है ना। बढ़ाते बढ़ाते हम लोग जो है इसको ले गए यहाँ पर, सेचुरेशन आ गया। सेचुरेशन आने का मतलब है कि अब जितने भी डायपोल्स इसमें होंगे वो सारे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो गए हैं, है ना। तो ये सेचुरेशन आ गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब उसके बाद कि ये जो इसमें जो करंट है उस करंट को कम करना शुरू करते हैं। करंट को कम करने से क्या होगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है सोलेनोइड के कारण से वो घटने लगेगा, तो ये एच घटने लगेगा, है ना। एच घटेगा तो इसके अंदर का जो मैग्नेटाइजेशन है वो भी घटेगा, तो वो कुछ इस तरह से घटता है, है ना, कुछ इस तरह से घटता है। मतलब ये हुआ कि जब मैं करंट जीरो कर देता हूं घटाते घटाते, करंट जीरो करने से ये मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया, यानी एच भी जीरो हो जाएगा। देखेंगे इस पॉइंट पर एच जीरो हो चुका है, लेकिन इसमें कुछ मैग्नेटाइजेशन जो है वो रह गया है, यानी कि अभी भी इसके अंदर डायपोल्स जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन होंगे कुछ ना कुछ, ठीक है। तो अभी यहां पर मैग्नेटाइजेशन रह गया, अभी जितना मैग्नेटाइजेशन यहां पर रह गया इसको हम लोग कहते हैं रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी एक टर्म यूज किया जाता है ना, ये कहा जाता है कि मैग्नेटाइजेशन लेफ्ट व्हेन मैग्नेटिक इंटेंसिटी बिकम्स जीरो। मैग्नेटिक इंटेंसिटी का मतलब जो एक्सटर्नल फील्ड है उसको हम लोग घटाते घटाते जीरो कर दिया हमने, तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी जीरो हो गई, लेकिन अभी भी कुछ मैग्नेटाइजेशन जो है यहां पर बचा हुआ है, तो इसको हम लोग कहते हैं रिटेंटिविटी। मतलब इतना जो मैग्नेटाइजेशन है वो रिटेन हो गया, रह गया, ठीक। अब हम लोग क्या करना है कि हमें इस मैग्नेटाइजेशन को जीरो करना है। करंट हम लोग पहले इसमें सोलेनोइड में जीरो कर चुके हैं, करंट जीरो किया हमने तभी ये मैग्नेटिक फील्ड जीरो हुआ है, यानी मैग्नेटिक इंटेंसिटी जीरो हुआ है, है ना। तो अब इसको मैं मैग्नेटाइजेशन को जीरो करना चाहता हूं तो क्या करूंगा, अब करंट उल्टा डायरेक्शन में फ्लो कराऊंगा। करंट उल्टा डायरेक्शन में फ्लो कराने का मतलब यह होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल वाला है अब उल्टा डायरेक्शन में होगा, तो ये एच भी उल्टा डायरेक्शन में आएगा, है ना। ध्यान रखना है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो एच भी वेक्टर क्वांटिटी है और ये आई भी वेक्टर क्वांटिटी है, है ना। ये तीनों के तीनों वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। तो चूंकि एच जो है अब निगेटिव में चलेगा, बी का डायरेक्शन रिवर्स हो गया पहले से, तो एच भी निगेटिव में आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा एच। तो एच अब उल्टा डायरेक्शन में होगा, तो जो मैग्नेटाइजेशन पहले से रह गया था अब उसको टॉर्क उल्टे डायरेक्शन में लगेगा, तो वो अपना डायरेक्शन बदलने की कोशिश करेंगे, है ना। तो बदलते बदलते जो है वो एक बार आ करके यहां पर जीरो हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि उल्टा डायरेक्शन में हमने करंट इतना बढ़ाया या इंटेंसिटी को इतना बढ़ाया कि मैग्नेटाइजेशन जो है वो जीरो हो गया। तो ये जो यहां पर ये जो वैल्यू है मैग्नेटिक इंटेंसिटी को उल्टा डायरेक्शन में, उसको कहा जाता है कोर्सिव फोर्स। इट इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी इन रिवर्स डायरेक्शन सच दैट मैग्नेटाइजेशन बिकम्स जीरो, है ना। तो मैग्नेटाइजेशन जीरो हो गया। अब जो है मैग्नेटाइजेशन जीरो हो गया, हम लोग लेकिन उल्टे डायरेक्शन में करंट को बढ़ाते जा रहे हैं। करंट बढ़ाने से क्या होगा, एज और बढ़ता जाएगा, एज और बढ़ता जाएगा। तो अब डायपोल्स जो थे वो नलिफाई होकर के जीरो, एक तरह से कहें तो जीरो हो गए थे। अब फिर से उल्टे डायरेक्शन में, जो उल्टा डायरेक्शन चूंकि एक्सटर्नल फील्ड आ गया है, तो उल्टे डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करेंगे, तो फिर से मैग्नेटाइजेशन जो है आने लगेगा, लेकिन उल्टा डायरेक्शन में आएगा, निगेटिव में आएगा। तो आई जो है अब निगेटिव में चले जाएगा, ऐसे कुछ इस तरह से, है ना, कुछ इस तरह से जाएगा, ठीक। अब यहां भी उल्टे डायरेक्शन में सैचुरेशन आ गया, है ना,
उल्टा डायरेक्शन में सैचुरेशन आ गया, यानी उल्टा डायरेक्शन में सारे डायपोल्स अलाइन हो चुके हैं, अब उससे ज्यादा अलाइनमेंट हो नहीं सकता है, ठीक है। तो फिर क्या किया, अब उल्टा डायरेक्शन में जो करंट था अब उसको घटाना शुरू करते हैं। जब करंट को घटाना शुरू करेंगे तो ये एच जो है घटना शुरू होगा, तो ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो भी धीरे धीरे घटना शुरू होगा, घटते घटते जो है ये कहीं यहां पर जाकर के जीरो हो जाएगा। यानी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो है वो अभी भी बचा गया है, लेकिन चूंकि करंट जो है वो जीरो हो गया, करंट इसमें मतलब कि सोलेनोइड में करंट जीरो हो गया, तो ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी जीरो हो गया, लेकिन यहां पर मैग्नेटाइजेशन अभी भी बचा हुआ उल्टा डायरेक्शन में। यह भी एक तरह से रिटेंटिविटी के बराबर है, अगर ये भी रिटेंटिविटी था तो ये भी रिटेंटिविटी है ना। तो अब उल्टा डायरेक्शन में जो है कह सकते हैं कि मैग्नेटाइजेशन बचा हुआ है, ठीक है, लेकिन करंट जीरो हो चुका है सोलेनोइड में। करंट जो जीरो हो चुका है तो ये एक्सटर्नल फील्ड कहेंगे यहां पर वो भी जीरो हो चुका है, यानी एच जीरो हो चुका है, ठीक। अब हम चाहते हैं कि उल्टा डायरेक्शन में जो मैग्नेटाइजेशन हुआ है उसको भी गायब करें। उसको गायब करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर सीधा डायरेक्शन में करंट फ्लो कराएंगे। सीधा मतलब जैसे पहले हम लोग करंट फ्लो कराते करा रहे थे शुरू में, वैसे ही करंट को फ्लो कराएंगे। तो क्या है, अब फिर से डायपोल्स पर टॉर्क लगेगा, है ना, डायपोल्स पर टॉर्क लगेगा, तो वो क्या करेंगे अपने आप का को जो है वो अलाइनमेंट को थोड़ा सा और खराब करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन घटने लगेगा, और घटते घटते जो है ये कुछ इस तरह से, है ना। तो अब पॉजिटिव डायरेक्शन में फिर से आ गया मैग्नेटाइजेशन इंटेंस, ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड कह लें या करंट करें, अब फिर से पॉजिटिव डायरेक्शन में आ गया है। अब उसको हमने इतना बढ़ाया पॉजिटिव डायरेक्शन में कि जो मैग्नेटाइजेशन था वो गायब हो गया, मैग्नेटाइजेशन हो गया जीरो, ये भी कोर्सिव फोर्स के इक्वल है ना। अब उसके बाद अब इंटेंसिटी को और बढ़ा रहे, यानी करंट को और बढ़ाएंगे तो ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी बढ़ेगा, मैग्नेटिक इंटेंसिटी बढ़ेगा, तो अब जो मैग्नेटाइजेशन जीरो हो चुका है, अब धीरे धीरे फिर से उसी डायरेक्शन में जो है मैग्नेटाइजेशन शुरू होने लगेगा जिधर पहले था। तो ये पहले था तो ये इस तरह से फिर से बढ़ते बढ़ते ज्यादा ज्यादा सैचुरेशन पॉइंट तक फिर से जा सकता है ना, सैचुरेशन पॉइंट तक जाएगा यहां पर। तो देख सकते हैं कि हुआ क्या यहां पर, पहले हमने शुरू किया था यहां से, शुरू यहां से किया था, ये इस तरह से मैग्नेटाइजेशन बढ़ते बढ़ते सैचुरेशन तक पहुंचा, फिर हमने करंट को कम करना शुरू किया तो घटते घटते यहां आया, फिर उल्टा डायरेक्शन में करंट हमने फ्लो कराया तो ये घटते घटते मैग्नेटाइजेशन जीरो हुआ, फिर उल्टा डायरेक्शन में और बढ़ाया तो उल्टा डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन बढ़ते बढ़ते सैचुरेशन तक आ गया, फिर करंट को उल्टा डायरेक्शन में घटाना शुरू करा तो घटते घटते यहां तक आया, यानी करंट जीरो हो गया, एच भी जीरो हो गया, लेकिन मैग्नेटाइजेशन अभी बचा हुआ है। अब फिर से पॉजिटिव डायरेक्शन में करंट फ्लो कराया, है ना, इस तरह से ये लूप चल रहा है। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में करंट फ्लो कराया तो मैग्नेटाइजेशन जो है वो घटने लगा, घटते घटते जीरो हो गया। अब करंट को और बढ़ाया हमने, है ना, यानी कि एच को बढ़ाया, एच बढ़ेगा तो बढ़ते बढ़ते फिर से पॉजिटिव डायरेक्शन में सैचुरेशन पॉइंट आया, है ना। तो क्या देखा हमने कि वापस इस पोजीशन तक कभी नहीं पहुंचा, जहां से शुरू हुआ था उस पोजीशन पर कभी नहीं पहुंचा। अब करंट को हम लोग बढ़ाएं या घटाएं, हमेशा ही जो है कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन रह जाता है ये जीरो वाला पॉइंट पर, यहां पर कभी नहीं पहुंचता। यही जो है इसको कहा जाता है हिस्टेरेसिस, है ना। जिस तरह से मैंने कहा कि एक वायर से अगर वेट को लटका देते हैं उसमें डिफॉर्मेशन हो जाता है, अब वेट को धीरे धीरे कम करते करते रहते हैं उसके बावजूद भी वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आता, कुछ डिफॉर्मेशन रह जाता है। उसी तरह से इसमें भी जो है कुछ जो है मैग्नेटाइजेशन रह जाता है ना। तो अब इसमें जो है कि ये जो हिस्टेरेसिस लूप का जो एरिया है, ये एरिया जितना ही ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा एनर्जी जो है वो लॉस होता है। एनर्जी कहां पर लॉस होता है, ये जो मैग्नेटिक डायपोल्स हैं उनका ओरिएंटेशन हम लोग बिगाड़ते रहते हैं, इधर उधर करते रहते हैं, तो उनके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी जाती है, यूं कहें कि थर्मल एनर्जी के फॉर्म में जाती है ना। तो इसका जो एरिया है, एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप, ये जो लूप बताया मैंने यहां से ये घूम करके जो लूप आ रहा है इसको हिस्टेरेसिस लूप कहा जाता है। एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप इज
प्रोपोर्शनल टू थर्मल एनर्जी लॉस्ट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो इस हिस्टेरेसिस लूप का क्या यूज होता है इसको हम लोग यहां पर आगे अभी समझेंगे। आप देखेंगे यहां पर मैंने दो डिफरेंट मटेरियल के लिए हिस्टेरेसिस लूप बनाया है। ये सॉफ्ट आयरन के लिए दिखाया गया है और ये जो है स्टील के लिए दिखाया गया है। अगर दोनों ग्राफ में डिफरेंस देखें तो इसमें जो रिटेंटिविटी है वो कम है, इसमें रिटेंटिविटी ज्यादा है। ठीक, इसका एरिया भी कम आएगा, इसका एरिया ज्यादा आएगा। एरिया ज्यादा होने का मतलब कि इसमें एनर्जी का लॉस ज्यादा होगा, इसमें एनर्जी का लॉस कम होगा। ठीक है, तो ये जो दो डिफरेंट प्रॉपर्टी है इसकी वजह से इनको दो डिफरेंट जगहों पर यूज किया जाता है। जैसे कि जो सॉफ्ट आयरन है इसको ट्रांसफॉर्मर के अंदर यूज किया जाता है। ट्रांसफॉर्मर के अंदर यूज करने से क्या फायदा होगा, ट्रांसफॉर्मर में हम लोग कोर्स वहां पर रखते हैं, लेमिनेटेड कोर रखते हैं, है ना, तो उसमें हिस्टेरेसिस लॉस एक होता है। हिस्टेरेसिस लॉस का मतलब ये हुआ कि ये एरिया जितना बड़ा आएगा उतना ही उस ट्रांसफॉर्मर का जो कोर है उसमें जाकर के एनर्जी लॉस होती है। ट्रांसफॉर्मर का काम है एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, ये ना कि उसकी एनर्जी को लॉस कराना। ठीक है, तो अगर सॉफ्ट आयरन की यूज करेंगे वहां पर कोर के लिए तो वहां पर एनर्जी का लॉस कम होगा, अगर स्टील का कोर यूज करेंगे वहां पर तो एनर्जी का लॉस ज्यादा होगा, इसलिए वहां पर सॉफ्ट आयरन यूज करते हैं। ठीक, और इसकी चूंकि रिटेंटिविटी भी कम है इसका मतलब ये हुआ कि जो कोर है अगर मैं सॉफ्ट आयरन कोर यूज करूंगा तो उसमें मैग्नेटाइजेशन भी कम ही होगा, है ना, मतलब कि अगर एक्सटर्नल फील्ड जो है हटा दिया जाए तो उसमें मैग्नेटाइजेशन जो है वो कम बचेगा। कम बचने का मतलब कि उसके अंदर एनर्जी कम रहेगी। ठीक है, मतलब ज्यादा से ज्यादा एनर्जी जो है अपने बाहर आ गई, मतलब कि जो ट्रांसफार्मर है एक जगह से एनर्जी लेता है दूसरी जगह भेजता है, बीच में जो कोर है वो एनर्जी ले सकता है अगर उसमें मैग्नेटाइजेशन हो रहा है तो। अगर मैग्नेटाइजेशन नहीं है या कम रह गया है इसका मतलब उसने एनर्जी वापस हमें दे दिया है, तो इसलिए उसमें एनर्जी का लॉस कम होता है। जबकि परमानेंट मैग्नेट बनाना हो तो परमानेंट मैग्नेट में क्या होना चाहिए, एक बार हम लोग एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करके उसमें क्या करेंगे, उसमें मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस कर देंगे। मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस करने से क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा जो डायपोल्स हैं वो एक डायरेक्शन में अलाइन हो गए। अब अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मैं हटा भी दूं तो उसमें मैग्नेटाइजेशन रह जाएगा। इसमें देखेंगे इसमें रिटेंटिविटी ज्यादा है ना, ये जो रिटेंटिविटी है इसको हम लोग कहते हैं रिटेंटिविटी। तो रिटेंटिविटी ज्यादा होने का मतलब ये है कि भले इसमें एनर्जी लॉस ज्यादा हो रहा है लेकिन परमानेंट मैग्नेट तो एक ही बार बनाया जाएगा, एक बार ही तो लॉस होगा, लेकिन उसमें जो मैग्नेटाइजेशन हो गया वो मैग्नेटाइजेशन रह जाएगा परमानेंट, भले एक्सटर्नल फील्ड एच हटा दिया जाए। एक्सटर्नल फील्ड हटा देंगे तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी गायब हो जाएगी, फिर भी इतना मैग्नेटाइजेशन रह जाएगा, तो जो डायपोल्स का अलाइनमेंट वहां पर बचा रह गया उसी के कारण से वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। तो परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए स्टील का यूज किया जाता है क्योंकि इसकी रिटेंटिविटी ज्यादा है। सॉफ्ट आयरन का यूज किया जाता है ट्रांसफॉर्मर के अंदर कोर बनाने के लिए, या मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में यूज किया जाता है क्योंकि इसकी रिटेंटिविटी कम है और जो हिस्टेरेसिस लॉस है वो भी कम है, है ना। तो इसमें कहा जा सकता है कि सॉफ्ट आयरन इज यूज्ड इन ट्रांसफॉर्मर एंड इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एज इट हैज स्मॉल रिटेंटिविटी एंड स्मॉलर हिस्टेरेसिस लॉस। एक और कारण हो सकता है, देखेंगे कि कम मैग्नेटिक फील्ड यहां पर अप्लाई करके भी एज की वैल्यू कम रख करके इसमें मैग्नेटाइजेशन कराया जा सकता है। इसमें हमें
एज की वैल्यू हमें ज्यादा करना पड़ता है, एज की वैल्यू काफी ज्यादा है इसमें, इसमें एज की वैल्यू कम आएगी, ठीक है। तो कम एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करके भी इसमें मैग्नेटाइजेशन कराया जा सकता है, इसमें ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा, हाई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। एंड ऑल्सो इट रिक्वायर्स smaller magnetic field for magnetization, you know? Steel is used to make permanent magnets as it has large retentivity, ठीक है। भले इसमें लॉस ज्यादा होगा लेकिन एक बार अगर हमें बनाना है तो लॉस मायने नहीं रहता, बार बार लॉस नहीं होना चाहिए। इनमें बार बार लॉस होता है, बार बार क्योंकि ट्रांसफॉर्मर हो या मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, बार बार उसे करंट फ्लो करता है, है ना। इसमें तो परमानेंट मैग्नेट हमें एक बार बनाना है, एक बार में लॉस हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होना ज्यादा जरूरी है, मतलब कि उसमें अलाइनमेंट जो है डायपोल्स का वो एक डायरेक्शन में परमानेंट रहना जरूरी है, यानी कि रिटेंटिविटी ज्यादा जरूरी है।